नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। पिछला वीडियो 100 क्वेश्चन का ही रह गया था, उसके 300 कहा गया था और उसके आगे वाला क्वेश्चन इसके आगे हैं, बीच में ही रुक गया था वह। और शुरू करते हैं इसके आगे, और सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। 40 क्वेश्चन आने वाला है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में, पूरा का पूरा सही होना चाहिए, 40 या 40 सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छत, अच्छत का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अच्छत का विलोम हो जाएगा आपका छत, क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा, ठीक है। यदि नेक्स्ट की बात कर लें तो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? निवृत्ति, क्या? निवृत्ति। अगम, अगम का सुगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो संस्कृत, संस्कृत संधि विच्छेद की बात करें, संस्कृत का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? श्रम धन कृत, क्या हो जाएगा? श्रम धन कृत हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है उद्धरण, उद धन हरण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? उद धन हरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुड़ा केस, गुड़ा केस में क्या हो जाएगा आपका? गुड़ा केस में हो जाएगा संधि विच्छेद, हो जाएगा आप लोगों का गुड़ाका धन ईस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा गुड़ाका धन ईस, गुड़ा गुड़ा केस, ठीक है। जैसे राकेश की बात कर देते हैं तो हम लोग राका धन ईस कहते हैं, वैसे ये गुड़ाका धन ईस है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? यहाँ पे लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं आपका तद्धित प्रत्यय, क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग तो प्राचार्य से कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्राचार्य से, प्राचार्य में, ठीक है, तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे देखिए प्रधन आचार्य होता है इसका ना संधि विच्छेद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो यहाँ पे प्रधन आचार्य प्राचार्य हो जाएगा, प्राचार्य हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष किस शब्द में है? अधिकरण तत्पुरुष किस शब्द में है? कविवर, सिरदर्द, सर्वव्याप्त, ये सभी क्या हो जाएगा इसमें? देखिए कविवर, मैंने बताया था ना कि अधिकरण में या पर होता है, कवि में वर, सिर में दर्द, सर्व में व्याप्त, सभी में व्याप्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सभी में क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। और इसका होता है क्या, बताया था आप लोगों को कि में या पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पर्यायवाची चुनना है, पर्यायवाची चूज करना है, ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची हो जाएगा विभु, साहब, रब, सभी जो हैं क्या ईश्वर के पर्यायवाची हैं। महादेव, महान है जो देव, इसमें एक किसका पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची है आप लोगों का विदुशेखर, किसका? विदुशेखर। विजुअलिटी थोड़ी सी कम है कुछ क्वेश्चंस के लिए, आगे सब सही हो जाएगा। मोर, मोर क्या पर्यायवाची क्या है? मोर का पर्यायवाची आप लोगों का हो जाएगा केकी, सिखी, कलाजी, ये सभी के सभी क्या हैं? मोर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्ष का अर्थ नहीं है, अक्ष का अर्थ क्या नहीं इसमें से? देखिए धुरी होता है अक्ष का अर्थ, पारा भी होता, पासा भी होता है, ब्रह्म भी होता है, बट चक्र जो है अक्ष का अर्थ नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं दिया है? ये दिया है आपका किस में? पराक्रम में उपसर्ग नहीं दिया है। पराजय में आपका दिया है उपसर्ग, ठीक है, पराधन जय, पराधीन में पराधन आधीन, पराभव में पराधन भव, बट आपका जो पराक्रम है इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि अज्ञ का विलोम है, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका विज्ञ, क्या? विज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है कि असंगत पर्यायवाची है, असंगत पर्यायवाची है, असंगत किसका पर्यायवाची है यहाँ पे? देखिए ईर्ष्या का, जलन का, दाह का, मनमुटाव का, इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका जो असंगत का पर्यायवाची है? यहाँ पे जाएगा मनमुटाव का पर्यायवाची, क्या? असंगत, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम लोग सी क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्रिया इसका आंसर हो जाएगा।
यदि कोई भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड लग रहा है तो आप लोग जाके जरूर कमेंट बॉक्स में चेक किया करिए, वहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ, सबसे ऊपर दिखाई देगा आप लोगों को मेरा कमेंट, ठीक है, जो उसका सोल्यूशन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, प्रिय प्रवास, कौन सा था, प्रिय प्रवास था आपका। नेक्स्ट है कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे, कौन है जो चाचा चौधरी के किरदार का निभाए थे वो कौन है, वहाँ पे प्राण कुमार शर्मा है, कौन है, प्राण कुमार शर्मा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचना है, इसमें कौन सी मौलिक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, कुड़ाल गीत, कौन है, कुड़ाल गीत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन से, रामधारी सिंह दिनकर है, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कि विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करने के लिए लिखा जाता है, सभी लोगों को यह पता होगा, प्रधानाध्यापक को, किसको, प्रधानाध्यापक को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण कल ही बताया था आप लोगों को क्या है, वह खम्भा गिरा, यदि किसी भी पर्टिकुलर की विशेषता बताए या तो उसको संकेत कर दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, वह खम्भा गिरा, कौन खम्भा गिरा, वह, तो यहाँ पे हो जाएगा वह, ये जो है सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, किस क्रम में हुआ है संप्रदान कारक का सही प्रयोग, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ठीक है, संप्रदान के लिए होता है इसका विभक्ति होता है, ठीक है, कारक। नेक्स्ट है कि देश से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, किससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, विशेषण से, किससे, विशेषण से प्रकट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष है, इसमें क्या विशेष है, इसमें विशेष है आपका व्यक्ति, ठीक, विशेष वही होता है जिसके बारे में बात की जाती है, विशेषण होता है जो बात की जाती है जिसके बारे में, वो विशेषण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राम धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं, क्या है प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन, बहुवचन यहाँ पे है देवगण, क्या है, देवगण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अपनत्व की बात आ रही है, जब जहाँ भी अपनत्व की बात आ रहा है, निश्चय की बात आ रहा है, निश्चितता कर रहा है ना कि वह घर, जब दिखा दे रहा है कि वह घर, तो इसका मतलब मालूम होगा उसे, निश्चित होगा कि वो मेरा ही है, इसीलिए तो वो दिखा रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा क्या, निश्चयवाचक। इसके बाद है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है, यदि कोई भी दो विपरीत हो, जैसे मान लीजिए विलोम हो, तो उनके बीच किस चीज का प्रयोग होता है, किस चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पे होता है योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। दाल रोटी ऐसे भी होता है ना प्रयोग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह के बीच में जो हाइफन का प्रयोग होता है वो योजक चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें है आपका अरहर जो है ना, वो क्या है, स्त्रीलिंग है और सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि तुम खा रहे हो, वाक्य में सहायक क्रिया है, इसमें सहायक क्रिया क्या है, सभी लोग जानते हैं क्या है, यहाँ पे सहायक क्रिया यहाँ हो जाएगा हो, क्या हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है, इसमें कौन सा निबंधकार के रूप में चर्चित रहा है, विद्यानिवास मिश्र, कौन है, विद्यानिवास मिश्र है। जान लीजिए टारगेट है 40 of 40 क्वेश्चंस, पूरा का पूरा लगाइए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उपसर्ग जहाँ किसी संज्ञा या विशेषण से जुड़ते हैं वहाँ क्या कहलाता है, वहाँ पे आपका कहला जाता है किसी समास निर्माण करते का करते हैं, ठीक है, कि समास का निर्माण करते हैं। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है, इसमें से 3 अर्थ हैं गौरी शब्द के और 1 इसमें से अर्थ नहीं है गौरी शब्द के, वो अर्थ कौन सा है, वहाँ पे आपका सरस्वती जो है गौरी शब्द का अर्थ नहीं है, गौरी का मतलब पार्वती भी होता है, हल्दी भी होता है, पृथ्वी भी होता है और सरस्वती भी होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पथ और पथ्य युग्म शब्द जो है इसके सही अर्थ अलग अलग क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, एक पथ का होता है मार्ग, ठीक है, जो मार्ग होता है रास्ता उसे एक पथ कहते हैं, और जो दूसरे पथ्य है इसका क्या होता है, रोगी का भोजन, क्या कहते हैं, पथ्य कहते हैं,
ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सामंजस्य शब्द का समानार्थी है, सामंजस्य शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तालमेल, एक जो तालमेल होता है बैठता है उसी को क्या कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं, कि सामंजस्य बैठ रहा है बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि शीतल मंद सुगंधित हवा का समानार्थी शब्द है, क्या समानार्थी शब्द है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बयार, क्या हो जाएगा बयार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है, व्यंजन संबंधी कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है, इसमें अशुद्ध को छांटना है। देख लीजिए इसमें है आपका श्राप, श्राप ऐसे नहीं लिखता है, लिखा जाता है आपका साफ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या होता है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा होता है आप लोगों का आस्तीन का सांप, पता होगा आप लोगों को क्या, आस्तीन का सांप, ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, यह निबंधों का संग्रह है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है, क्या है एक शब्द यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा अनुगामी, अनुगामी जो पीछे पीछे चलता है उसे अनुगामी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सामासिक पद उपयुक्त, यहाँ हो जाएगा मृत्यु उन्मुख, क्या मृत्यु उन्मुख। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शब्द में समास है, कौन सा समास है, रेल की गाड़ी, तत्पुरुष समास है, ठीक है। और कौन सा तत्पुरुष समास इसमें है, इसमें हो जाएगा आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, न्यून संधि विच्छेद करिए इसका, न्यून का संधि विच्छेद करना है जब, तो हो जाएगा क्या इसमें, नी धन ऊन, क्या नी धन ऊन, ठीक है। चलिए न्यून हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सरोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे, स धन रोज, क्या स धन रोज हो जाएगा, सरोज का संधि विच्छेद, ठीक है, सरधन ज होगा, सॉरी सरधन ज। वधूर्मी, पहले तो जान लीजिए कि वधूर्मी का जो यहाँ पे शुद्धि अशुद्धि के लिए आता है कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए पहले, इसके बाद संधि विच्छेद में आता है, इसका संधि विच्छेद जो पूछा जाता है अलग अलग हो जाता है, उसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वधू में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा और उर्मी में भी बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, तब जाके होगा क्या वधूर्मी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ऊट का पर्यायवाची नहीं है, ऊट का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ऊट का पर्यायवाची औधा नहीं है और क्रमेलक है, उष्ट्र है, महाग्रीव भी है, ये तीनों है बट ए वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का तीन पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची नहीं है, इसमें से क्या है वह, वह है आपका श्लाघा, श्लाघा जो है आपका बाण का पर्यायवाची नहीं है, पत्री है और आशुग है, सायक है। नेक्स्ट है कि ऐहिक, ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा, ऐहिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा, आवेशित का विलोम हो जाएगा आप लोगों का अनावेशित, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्जन, अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, अर्जन का विलोम हो जाएगा यहाँ पे बी व्ययन, अर्जन मिस होता है प्राप्त करना, कमाना, व्ययन मिस खर्च करना या गंवाना होता है। कथित, कथित का विलोम क्या हो जाएगा, कथित का विलोम हो जाएगा अकथित, कथित मिस कहना, अकथित न कहना, कुछ नहीं कहना। हर्ष, हर्ष में उल्लास होता है सभी लोग जानते हैं, और विषाद में दुख होता है, तो इसका हो जाएगा अपोजिट बी विषाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, तद्भव और तत्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वोकैबुलरी के हिसाब से इसमें पूछा ही जाता है, लगभग सभी एग्जामों में दो तीन क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे मनई जो है क्या हो जाएगा, हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, ठीक है, और सब यहाँ पे तत्सम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा, इसमें तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्लिष्ट, क्या क्लिष्ट क्या है, तत्सम है और सब तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वाक्य जोड़ना है, छाटना है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये आपका क्या है, शुद्ध है और सब गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहती, क्या कही जाती हैं,
रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव। नेक्स्ट है कि तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नहीं पैदा करते हो, उस पंक्ति में पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? किसे संबोधित कर रहा है कवि? ये कवि कर रहा है संबोधित किसान को। किसको? किसान को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहे का एकदम उल्टा क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। यहाँ पर हो जाएगा दोहे का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दाता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा इसमें हो जाएगा? दाता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा ता प्रत्यय है। क्या? ता। ठीक है, कम कम क्वेश्चन रखते हैं, छोटा छोटा वीडियो रखते हैं ताकि इंटरेस्टिंग रहे और थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहे देखने में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं, कई पार्ट में आ जाएगा, 300 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लगभग 120-125 क्वेश्चन पिछले वाले में हो गया था और यहाँ पे भी आपका लोग 75 क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन हो गया। लगभग 250, एक वीडियो और आएगा, लगभग उसमें पूरा हो जाएगा आप लोगों का, 300 क्वेश्चन प्लस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छठा छठा क्वेश्चन है कि जाकि जो पिछले एग्जामों में आया हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है, शुरू कर आपका यहीं पे लास्ट करते हैं। इसके बाद जो लोग भी अभी नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से निश्चित तौर पे आप लोगों को लाभ मिलेगा ही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।